हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, दोस्तों अगर आपके पास एपिक गेम्स लॉन्चर में ये एरर आ रहा है तो इस एरर को आप कैसे इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं दोस्तों। बहुत सिंपल स्टेप है, आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए। सबसे पहले आपको स्टार्ट मेन्यू के आइकन पर राइट क्लिक करना है, उसके बाद आपको टास्क मैनेजर के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपको जो है यहाँ पर एपिक गेम्स लॉन्चर को आपको एंड टास्क कर देना है, इसको सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कर एंड टास्क के ऊपर क्लिक कीजिए, ये क्लोज हो जाएगा। उसके बाद आप इस विंडो को क्लोज कीजिए। फिर दोस्तों आपको एपिक गेम्स लॉन्चर को जो है सेलेक्ट कर राइट क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक कर देना है, फिर यहाँ पर कंपेटिबिलिटी टैब में आना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको जो है इन दोनों बॉक्स में चेक कर देना है, रन दिस प्रोग्राम इन कंपेटिबिलिटी मोड और यहाँ पर रन दिस प्रोग्राम एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, ओके। उसके बाद अप्लाई के ऊपर क्लिक कर ओके के ऊपर क्लिक कीजिए। फिर दोस्तों आपको रन कमांड ओपन करना है, आप शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं, विंडोज़ की प्रेस करते हुए आपको आर प्रेस कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर इस तरीके से टाइप कीजिए, फिर ओके के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर ये विंडो ओपन हो जाएगा, फिर आप यहाँ पर इस फोल्डर को ओपन कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है एपिक गेम्स लॉन्चर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। फिर आपको यहाँ पर सेव्ड फोल्डर को ओपन कर देना है, उसके बाद आपको यहाँ पर ये कॉन्फिग फोल्डर को आपको ओपन कर देना है, फिर आपको विंडोज़ फोल्डर को ओपन करना है। उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं ये जो इंजन है यहां पर, इसको आपको सेलेक्ट कर राइट क्लिक कीजिए, यहां पर आप जो है इसको ओपन के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं ओपन हो गया है। फिर आपको इस वाले टेक्स्ट को आपको पेस्ट कर देना है, ये टेक्स्ट जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से ईजिली कॉपी कर इसको पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इसको अब जो है मैं पेस्ट कर लेता हूँ, ओके। उसके बाद अब मैं यहाँ पर इसको क्लोज कर लेता हूँ, फिर यहाँ पर सेव पर क्लिक कर लेते हैं, ओके। उसके बाद दोस्तों आप अपने पीसी या लैपटॉप को एक बार रीस्टार्ट कीजिए, उसके बाद एपिक गेम्स लॉन्चर आप ओपन कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इजीली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।